जय हिंद साथियों, मैं अपने YouTube चैनल आज़ादी जम ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, UPPCL TG2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, तो यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, संघर्ष एक काली रात की तरह होता है, संघर्ष एक काली रात की तरह होता है और रात ज़्यादा देर नहीं रहती और रात ज़्यादा देर नहीं रहती। कोशिश करते रहें, जल्द ही जल्द सुबह होगी। कोशिश करते रहें, जल्द सुबह होगी। साथियों, इसी के साथ आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले साथियों, आप लोग ज़बरदस्त तरीके से सेशन को शेयर करते रहें। साथियों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथियों, आज के इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट को बताने वाले हैं। साथियों, तो चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों साथियों, कुछ 20-22 क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, आग बुझाने के लिए किया जाता है साथियों, पानी, पानी का, कार्बन पाउडर, सूखा बालू, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है साथियों, तो सूखा बालू का। साथियों, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में सूखा बालू का प्रयोग कर आग को क्या किया जाता है? बुझाया जा सकता है। साथियों, आग के ऊपर काबू पाया जा सकता है। तथा इनके अतिरिक्त बात करें साथियों, तो हैलोन, हैलोन सी टी सी CO2 आदि का भी प्रयोग किया जाता है। साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। साथियों, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथियों, नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए? साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए? साथियों, श्रेणी ए और बी, श्रेणी ए और डी, श्रेणी बी और डी, श्रेणी ए बी और डी। साथियों, तो क्या होगा? देखिए, श्रेणी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथियों, श्रेणी बी और डी, श्रेणी बी और डी, आग बुझाने में पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। साथियों, पानी का प्रयोग क्लास ए के आग बुझाने या अन्य सभी सभी वर्जित हैं। साथियों, क्या है? आग को बुझाने के लिए क्लास ए श्रेणी के लिए पानी की आवश्यकता होती है। साथियों, क्लास ए यानी लकड़ी, कागज, कपड़े, जूट के से लगे हुए आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी व बी व डी और ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। साथियों, नेक्स्ट, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन सी अग्निशामक
प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए साथियों। निम्नलिखित यानी साथियों बोला जा रहा है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्रकार के झाग प्रकार के रेत भरर प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड साथियों। तो क्या होगा साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। देखिए झाग प्रकार के साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए साथियों झाग प्रकार के? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। ये जो श्रेणी सी में शामिल की जाती हैं साथियों, झाग प्रकार के श्रेणी सी में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु विद्युत आग धात्विक उपकरणों में लगी हो तो इससे श्रेणी डी में वर्गीकृत करते हैं। इसी प्रकार की आग को शांत या शमन करने के लिए साथियों किनका प्रयोग करते हैं, CO2, CTC, हेलोन प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बोला जा रहा है विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को क्या कहा जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतमय भागों के संपर्क में ना आए, क्या कहा जाता है साथियों, या फिर .. की प्रक्रिया में विद्युत उपकरणों के विद्युतीय भागों के साथ आकस्मिक संपर्क में आने से बचने के लिए उन्हें एक आवरण प्रदान करना शामिल होता है साथियों। तो क्या होगा, कवरिंग, लेवरिंग, गाइडिंग, ग्राउंडिंग? तो क्या होगा साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, गार्डिंग। विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को गाइडिंग कहा जाता है साथियों, गाइडिंग कहा जाता है। गलती से इसके विद्युतमय भागों को संपर्क में ना आए या ना आने दें साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, रेत से भरी बाल्टियां आमतौर पर .. से लगी आग के लिए अग्निशामक माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है साथियों, LPG, डीजल, बिजली, पेट्रोल? तो क्या होगा राइट आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहें साथियों। प्लेलिस्ट UPPCL TG2 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है साथियों, एक ही क्लास के वीडियो अच्छी तरह से देख लें साथियों। यदि आपको PDF चाहिए साथियों तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें साथियों। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, बिजली। रेत से भरी बाल्टी आमतौर पर बिजली से लगी आग के लिए अग्निशामक माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं साथियों, यानी बिजली से जो लगी हुई आग होती है साथियों, रेत से भरी बाल्टी के द्वारा इन्हें बुझाया जा सकता है साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों,
सेफ्टी मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सेफ्टी गैजेट नहीं है? सेफ्टी मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सेफ्टी गैजेट नहीं है साथियों? वेल्डिंग गोल्डन्स, स्क्रू ड्राइवर, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी कूच, इंसुलेशन हेडमेट, हेल्डवर्स। साथियों तो क्या होगा साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर देखिए, स्क्रू ड्राइवर जो सेफ्टी मानदंडों के अनुसार स्क्रू ड्राइवर का उपयोग एक सेफ्टी गैजेट नहीं है, क्या नहीं है, एक सेफ्टी गैजेट नहीं है, जबकि अन्य सभी जैसे वेल्डिंग ग्लोव्स, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी शूज एम इंसुलेटेड हैंडलवर्स इत्यादि सेफ्टी उपकरण हैं साथियों। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाते हैं साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, पीपीई का पूर्ण रूप क्या है? पीपीई का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन पर फैट इंडिपेंडेंट पर्सनल परफेक्ट इंडिपेंडेंट। तो इस प्रकार से देखें साथियों तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, पर्सनल प्रोटेक्टिव इंडिपेंडेंट, क्या होगा इंटीव पेमेंट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, कृत्रिम श्वसन की साधारण और आम आसान विधि क्या है? कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि कृत्रिम श्वसन की मुख्य विधि है साथियों? तो सेलिवेशन विधि, मुंह से मुंह वाली विधि, सेफर विधि, मुंह से मुंह वाली विधि। देखिए पहले में दिया है मुंह से नाक वाली विधि, सेफर विधि, मुंह से मुंह वाली विधि, तो क्या होंगे इस प्रकार से हम देखें ऑप्शन टू, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों हो जाते हैं, मुंह से मुंह वाली विधि। देखिए कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान जो विधि होती है साथियों वह मुंह से मुंह वाली विधि होती है, जबकि एक अन्य विधि जिसका नाम नाक मुंह से नाक विधि है, यह विधि तब प्रयोग की जाती है साथियों जब ऐंठन एवं मरोड़ की स्थिति में व्यक्ति का मुंह नहीं खुलता है। जब ऐंठन व मरोड़ की स्थिति में व्यक्ति का मुंह नहीं खुलता है तो उस समय मुंह से नाक वाली विधि अपनाई जाती है साथियों। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्यक्ति की श्वसन की जांच करनी चाहिए, व्यक्ति की नाड़ी की जांच करनी चाहिए, व्यक्ति की लगी चोट की जांच करनी चाहिए, व्यक्ति के रक्तचाप की जांच करनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहें।
तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। देखिए व्यक्ति के श्वसन की जांच करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले व्यक्ति की श्वसन की क्या करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट, जीवन रक्षक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है। जीवन रक्षक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है। UPS, RPS, PDMS, स्टेबलाइजर। तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, UPS। UPS में एक रिचार्जेबल बैटरी होती है साथियों, जो बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर निरंतर विद्युत आपूर्ति की पूर्ति करता है, जिससे कंप्यूटर से सेव नहीं किए गए डाटा को नष्ट होने से बचा सकता है साथियों। जैसे कंप्यूटर पर कोई वर्क करें, बाय अवे क्या होता है कि सप्लाई आपकी कट जाती है साथियों, तो उस परिस्थिति में जो आपके डाटा कंप्यूटर में सेव नहीं रहेंगे साथियों, वे डाटा क्या हो जाएंगे, रीसेट हो जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार से UPS का कार्य होता है कि सप्लाई कट जाने के उपरांत भी यह निरंतर बरकरार बनाए रखता है साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। आर्क वेल्डिंग के मामले में आँखों की सुरक्षा के लिए डॉट डॉट का इस्तेमाल करना चाहिए साथियों। किनका इस्तेमाल करना चाहिए, काला चश्मा आवरण, धूप का चश्मा आवरण, आवरक साफ चश्मा। तो क्या करते हैं साथियों, यदि आर्क वेल्डिंग के मामले में आँखों की सुरक्षा के लिए का इस्तेमाल किया जाता है तो काला चश्मा आवरण का इस्तेमाल किया जाता है साथियों, ताकि हानिकारक विकिरण से आँखों को बचाया जा सकता है साथियों। आर्क वेल्डिंग से हानिकारक विकिरण किरणें निकलती हैं साथियों, जो कि आँखों को इफेक्ट पहुंचाती हैं साथियों। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहे हैं आप लोग। अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग क्या हैं। अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग क्या हैं। धुआं और ऊष्मा डिटेक्ट, घड़ियां डीमैक पैनल अलार्म पैनल बैटरी आदि, घड़ी पंखा पंप लैंप हीटर आदि, स्विच सैकेट हीट फ्यूज आदि, हीटर पंप घंटियां पंखा आदि क्या होंगे साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। तो क्या होंगे, धुआं और ऊष्मा डिटेक्ट, घंटियां डिकैप पैनल अलार्म पैनल बैटरी आदि साथियों। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के मामले में ABC प्रणाली के प्रारंभिक अध्याक्षरों का नाम पूरा नाम क्या है। प्राथमिक चिकित्सा के ABC क्या दर्शाते हैं।
तो क्या दर्शाते हैं, सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहे। देखिए साथियों, तो इस प्रकार से देखें साथियों, तो ऑप्शन नंबर ABC, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है साथियों एयर वे वायु मार्ग, बी का ब्रेथिंग, थिंग, सी का मतलब हुआ सर्कुलेशन, ए का मतलब एयर वेयर, बी का मतलब ब्रेथिंग, सी का मतलब सर्कुलेशन। ठीक, तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द 5S प्रणाली का भाग नहीं है, 5S प्रणाली का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, स्वेप। घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में, सॉरी साथियों, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, 5S आवरण का दूसरा चरण क्या है साथियों, 5S आवरण का दूसरा चरण क्या है, तो क्या होगा साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, क्रमबद्ध व्यवस्था। नेक्स्ट चलते हैं, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है साथियों, परिदृश्य रंग होता है, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है हरा साथियों, होता है हरा होता है साथियों, इनकी आकृति वर्गाकार होती है तथा हरे पर्दे पर सफेद सकेन यानी सकेत संकेत होता है साथियों, यह सुरक्षा उपाय की सूचनाएं इंगित करता है साथियों, यह सूचनाओं की क्या करता है, सूचनाओं का इंगित करता है साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है साथियों, किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, घायलों के अनुत्पादक समय की लागत, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, लाइक करने में कंजूसी न करें साथियों। सूचनात्मक चिन्ह का आकार डॉट डॉट होता है साथियों, सूचनात्मक चिन्ह का डॉट डॉट आकार होता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, सूचनात्मक आकार वर्गाकार होता है, हरे पर्दे का श्वेत संकेत यानी संकेत एवं निषेधात्मक चिन्ह, वृत्तीय आकार किनारा लाल एवं क्रॉस वार एवं आवश्यकता चिन्ह, वृत्तीय एवं नीले पर श्वेत संकेत एवं चेतावनी चिन्ह, त्रिकोणीय रंग पीले पर्दे का काला बॉर्डर हो एवं संकेत होते हैं साथियों, संकेत होते हैं। तो इस प्रकार से देखें साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, चेतावनी चिन्ह वार्निंग साइन की पृष्ठभूमि
ब्रेक ग्राउंड की रंग की होता है साथियों। कैसा होता है? देखिए तो लाल रंग की, पीले रंग की, काले रंग की, नीले रंग की, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, पीले रंग की। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, खतरनाक चेतावनी की चिन्ह का आकार क्या होता है साथियों? खतरनाक खतरनाक चेतावनी के चिन्हों का आकार क्या होता है साथियों? गोलाकार, षटभुज, त्रिकोण, आयताकार, पंचकोण, तो कैसा होता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। देखिए कुछ सिंबल ऐसे होते हैं साथियों, जैसे कि इसमें एक आदमी का सिंबल ऐसे करके बनाया जाता है साथियों, तो त्रिकोण साथियों। तो क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। दिए हुए चिन्ह निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है? किसका चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। क्या होगा? विद्युत झटके का खतरा। विद्युत झटके का खतरा साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नीचे दिए गए संकेत की पहचान कीजिए साथियों। तो क्या होगा? देखिए विद्युत खतरे की खतरे वाले चीजों को न छुए। आगे सांप है छुए नहीं, बिजली के तार न तोड़े, इस क्षेत्र में तार संयोजित न करें, तो क्या होगा साथियों? राइट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों हो जाते हैं। विद्युत खतरे वाले चीजों को न छुए। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। उपरोक्त छवि इनमें से किससे इंगित करती है? उसमें खतरा, रेडियो धार्मिक खतरा, विद्युतीय खतरा, रासायनिक खतरा साथियों। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों हो जाते हैं। दिए गए जो हैं साथियों ऑप्शन, रेडियो धार्मिक खतरा साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट, चिन्ह में दर्शाया गया चेतावनी संकेत क्या इंगित करता है? बिजली के घेरे का कोई खतरा नहीं, बिजली के घेरे को स्पर्श करें, घेरे की ऊष्मा को महसूस करें, बिजली के घेरे से दूर रहें, तो क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, बिजली के घेरे से दूर रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।